नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS की भर्ती के बारे में। हालांकि इससे पहले हमने कई वीडियो बनाए हैं जिनमें आपको काफ़ी जानकारी दे दी है, लेकिन ये पार्ट टू बना रहे हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। हालांकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के बाद अगर हम आधी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दें तो वो ठीक नहीं है। तो जानकारी पूरी देनी है तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और देखते रहिए हमारे चैनल को। और उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो हम हर बार बोलते ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करें इंडिया पोस्ट GDS की भर्ती के सिलेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है और अप्लाई करने के बाद आपको सीधा रिजल्ट देखने को मिलता है बिना एग्जाम दिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रोसेस है। दोस्तों, ये इंडिया पोस्ट GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती होती है, जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, लेकिन इसके लिए आपके पास 10th में अच्छे मार्क आने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके मेरिट के हिसाब से आपके प्रेफरेंस के द्वारा दिए गए डिस्ट्रिक्ट में यानी आपके डाकघर में आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इतनी जानकारी हमने पहले भी आपको कई वीडियोज़ में दे दी है। दोस्तों, बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होती है तो आपको कोई भी प्रॉपर ये नहीं बता सकता कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और क्या नहीं लेके जाने, क्योंकि दोस्तों बात ऐसी है कि इंडिया के हर स्टेट के लिए और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग ऑफिसर का चयन होता है। जो ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये जानकारी किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, किसी एक स्टेट के लिए नहीं, बल्कि ऑल इंडिया के लिए हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे जुड़ी तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वो सभी डॉक्यूमेंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाला ऑफिसर आपसे मांग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें आपको बता दें कि अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपको काफ़ी जानकारी दी गई है। हालांकि जानकारी काफ़ी हद तक सही दी जाती है, लेकिन आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपसे मांगे जाते हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र भी आपसे मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल जांच के बाद उसमें आपसे मौखिकी तौर पर कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कोई आप में डिसेबिलिटीज तो नहीं है, क्या आपको कभी मिर्गी दौड़े पड़ते हैं क्या, ऐसी तमाम जानकारी आपसे पूछी जा सकती हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट GDS के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे और पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम आपको बता दें कि आपके जो मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर जगह ही आपसे मांगे जा सकते हैं, तो उनमें सबसे पहले है आपकी 10th की मार्कशीट, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड, और उसके बाद आपका डोमिशियल यानी निवास प्रमाण पत्र जहाँ आपके रेजिडेंस है, जहाँ आप रहते हैं। और उसके बाद आपका चौथा डॉक्यूमेंट्स है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपके पास कोई भी डिप्लोमा या कोई बड़ा कोर्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप CCC पास आउट हैं तो वो भी आपका चलेगा। तो उसमें आपका CCC का सर्टिफिकेट लग जाएगा। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट यानी अगर आप OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट एक रिजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। जो बनवाने का प्रोसेस और इसके बारे में भी हम कई वीडियोज़ आपको बता चुके हैं, इसका फॉर्मेट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें ओरिजिनल लेके जाने हैं, कोई भी डुप्लीकेट ना बनवाएं, और इन सब की आप एक एक कॉपी भी करा लें। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ हमें अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट यानी शपथ पत्र भी लेके जाने हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उनको फिल करके साइन करके आप अपने साथ कैरी करके ले जाएंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, और इनके साथ आप दो दो तीन तीन दिन की कॉपी भी करा सकते हैं, ताकि वहाँ पर फॉर्म सबमिट करें तो आपको ज़रूरत न पड़े। हालांकि आधार कार्ड और पैन कार्ड जितने भी मैंने आपको पहले 5 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उनकी तो आपको 4-4 फोटोकॉपी करा लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है।
और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, कितना चलाना आता है, इस विषय पर भी आपसे बात होगी। इसी के साथ आपको साइकिल या बाइक चलानी आनी चाहिए। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके आपकी एक फ़ाइल बनाई जाएगी और फाइल आपकी बोर्ड को दी जाएगी। हालांकि इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पुलिस स्टेशन में दिए जाएंगे, वहाँ से आपका डोमिसाइल का जांच होगा, यानी आप इस जगह के प्रॉपर रहने वाले हैं या नहीं इसके बारे में भी वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा और इसका वेरिफिकेशन होगा। जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे वो वोर्ड को जाएंगे, वोर्ड ये वेरीफाई करेगा कि हाँ आप यहाँ से पास आउट हैं और आपने यहाँ से 10वीं पास की है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होगा, जिला चिकित्सालय आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर भी एक छोटी सी फाइल बनेगी। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कहीं पर भी आपको बुलाया जा सकता है। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपका बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पर आपके एरिया के जितने भी लोग सिलेक्शन हुआ है वो आपसे मिलेंगे, आपकी बातें होंगी और वहाँ से आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आफ्टर ट्रेनिंग आपको वो पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके लिए आप चुने गए हैं, जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, और वहाँ पर रेगुलर आपको जाना पड़ेगा। और जो एक डाक घर में जो काम होता है, जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग डाकिया का जो काम होता है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके सीनियर्स आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। एक अच्छा अनुभव होता है एक GDS की जॉब के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी और इसी के रिलेटेड हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आप अपने साथियों के साथ इस जानकारी को शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।